हेलो ऑल, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आईएमएस वोल्टे के बारे में कि आईएमएस वोल्टे होता क्या है। आईएमएस स्टैंड्स फॉर आईपी मल्टीमीडिया सबसिस्टम और वोल्टे स्टैंड्स फॉर वॉइस ओवर एलटी। अब आईएमएस इज वन ऑफ द 3GPP ग्रेटेस्ट सक्सेस स्टोरीज। आईएमएस काफ़ी सक्सेसफुल रहा 3GPP के लिए। ये अगर आप इसे देखें कि IMS एक प्रॉपर 3GPP रिलीज में डेवलप किया गया है, ये एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी है। जैसे कि हमारा GSM है, 3G है, LTE है, ऐसे ही IMS भी एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी है जिसको हमने यूज़ किया है LTE के साथ वोल्टे प्रोवाइड करने के लिए। वो हम आगे देखेंगे कि किस तरह से वोल्टे काम करता है। तो इस वीडियो में अभी हम सिर्फ यहाँ पे अभी शुरू में हम IMS डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद हम वोल्टे पे चलेंगे। अब ओरिजिनली डिजाइन टू इवॉल्व UMTS नेटवर्क्स टू डिलीवर IP मल्टीमीडिया टू मोबाइल यूजर्स। तो जब ये UMTS था उस समय IMS को लाया गया था कि IP मल्टीमीडिया सर्विसेज हम यूजर्स को प्रोवाइड करेंगे। IMS हैज बिकम द कोर कंपोनेंट विद इन 3G केबल TV एंड नेक्स्ट जनरेशन फिक्स्ड टेलीकॉम नेटवर्क्स। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इधर। IMS जो आया था वो 3GPP रिलीज 5 में आ गया था एज पार्ट ऑफ द कोर नेटवर्क एवोल्यूशन फ्रॉम सर्किट स्विचिंग टू पैकेट स्विचिंग। और उसके बाद ये धीरे धीरे अपडेट करते जा रहे हैं, हर रिलीज के साथ कुछ ना कुछ ऐड हो जाता है। तो LTE हमारा आया था रिलीज 8 में, उसके साथ हमने IMS को कंबाइन किया और जिसके वजह से हम आज वोल्टे यूज कर पा रहे हैं वॉइस ओवर LTE। LTE प्लस IMS इज इक्वल टू वोल्टे आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये IMS का आर्किटेक्चर है, इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं। अगर आप देखें ये UE है, EUtran है, E-Node भी। अगर आपको ये नहीं पता कि EUtran क्या होता है, EPC क्या होता है, आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं LTE आर्किटेक्चर के ऊपर। LTE आर्किटेक्चर इन डिटेल दो मैंने इस पर वीडियोज बनाए हुए हैं, आप उसको जाकर देख सकते हैं। EPC के अंदर MME हो गया, सर्विंग गेटवे, PDN गेटवे, HSS और 3GPP AAA सर्वर। AAA क्या होता है? अकाउंटिंग ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन। ये इससे कि आप यूजर को ऑथेंटिकेट करते हैं ये AAA सर्वर के थ्रू। और इधर है हमारा IP सर्विसेज। अब जहाँ पे IP सर्विसेज होगा वहाँ पे आप IMS को कह सकते हैं कि IMS वहाँ पे है। IP सर्विसेज के अंदर इंटरनेट भी आता है और IMS नेटवर्क। तो IMS को डिप्लॉय करना पड़ता है ऑपरेटर को, ऑपरेटर डिप्लॉय करता है IMS। अब ऑपरेटर अपना खुद नेटवर्क डालता है और उसके साथ IMS नेटवर्क। सो दो नेटवर्क उसे डालने पड़ते हैं IMS को करने के लिए, ठीक है। ये है PCRA, पॉलिसी कंट्रोल रूल फंक्शन। तो ये हमारा आर्किटेक्चर है कि पहले UE, फिर E-Node, फिर ये EPC और फिर हमारा IP सर्विसेज। अब इसके अंदर क्या होता है, अगर आप देखें जो हमारा UE होता है उसके अंदर कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं IMS को सपोर्ट करने के लिए। तो अगर आप देखें IMS को सपोर्ट करने के लिए दो मेजर चीजें हैं, एक तो UICC जो कि सब में होता ही है, यूनिवर्सल इंटीग्रेटेड सर्किट कार्ड। अभी हम इसमें देखेंगे कि UICC के अंदर क्या नया ऐड हुआ कि वो IMS सपोर्ट कर पा रहा है। और एक होता है SIP यूजर एजेंट, सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल यूजर एजेंट। अब SIP जो है ये IMS में सिग्नलिंग के लिए यूज होता है, जैसे कि LTE में RRC और NAS होते हैं, वैसे ही IMS के अंदर SIP यूज होता है, यूजर एजेंट। तो ये दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारे UE को सपोर्ट करने होते हैं IMS को चलाने के लिए। अब जो UICC है उसमें तीन पार्ट हो सकते हैं कि SIM, एक होता है SIM सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, GSM में हम बोलते हैं SIM, USIM हम बोलते हैं UMTS में, USIM UMTS सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, और LTE में भी हम USIM ही बोलते हैं। 3G और 4G के SIM जो भी होते हैं हम उसको बोलते हैं USIM। अब इसमें एक और नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई है IMS में, iSIM, IP मल्टीमीडिया सर्विस आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो इसके अंदर UICC के अंदर आपको iSIM सपोर्ट करना बहुत जरूरी है अगर आपको IMS सपोर्ट करना है। iSIM आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द IMS सब सिस्टम। तो iSIM एक नया एडिशन है
IMS को सपोर्ट करने के लिए। अब आते हैं SIP यूजर एजेंट जो हमने अभी डिस्कस किए थे। अब SIP यूजर एजेंट क्या होता है, इससे हम ट्रांसमिट और रिसीव कर सकते हैं SIP मैसेजेस को। तो ये इसलिए ट्रांसमिशन और रिसीविंग के लिए यूज होता है। अब जो SIP यूजर एजेंट है वो दो तरह के हो सकते हैं, दो रोल ये प्ले कर सकते हैं, यूजर एजेंट क्लाइंट यूएसी और यूजर एजेंट सर्वर यूएएस। अगर आपको SIP रिक्वेस्ट भेजनी है तो वो क्लाइंट भेजेगा, और अगर आपको रिसीव करनी है तो वो सर्वर पे रिसीव होगी। क्लाइंट सर्वर मॉडल इसमें यूज होता है, सेम हर जगह वो यूज होता है क्लाइंट सर्वर। तो एक जना रिक्वेस्ट भेजेगा, एक उसको रिसीव करेगा और रिस्पॉन्स भेजेगा उसका। तो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। अब ये हम खाली IMS का देखते हैं कि कोर इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स ऐड हुए हैं। तो ये हमारा UE विजिटेड डोमेन में अभी करंटली जो है अगर, और ये है होम डोमेन में जो IMS का एक्चुअल होम नेटवर्क है। तो इसके अंदर तीन एंटिटी इंट्रोड्यूस हुई हैं IMS में, PCSCF, ICSCF, SCSCF, प्रॉक्सी कॉल सेशन कंट्रोल फंक्शन, इंटरोगेटिंग कॉल सेशन कंट्रोल फंक्शन और सर्विंग कंट्रोल सेशन कंट्रोल फंक्शन। ये तीन एंटिटी हैं, ये इसको आप CSCF के पार्ट बोल सकते हैं डिफरेंट्स, ये इंट्रोड्यूस हुए हैं IMS के अंदर। HSS हो गया होम सब्सक्राइबर सर्वर, ये LTE और IMS का सेम हो सकता है, तो आप इसको अलग भी लिख सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि ऑपरेटर किस तरह से अपने नेटवर्क को डिजाइन कर रहा है, कॉन्फिगर कर रहा है, तो उसके लिए आप ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। सब्सक्राइबर लोकेशन फंक्शन BGCF, ब्रेकआउट गेटवे कंट्रोल फंक्शन, MGCF मीडिया गेटवे कंट्रोल फंक्शन, मीडिया गेटवे एंड एप्लीकेशन सर्वर्स। तो ये हमारे IMS के मेन मेन एलिमेंट्स हैं, नेटवर्क एलिमेंट्स जो उसमें यूज होते हैं। इनके फर्दर डिस्क्रिप्शन हम आगे देखेंगे कि ये किस तरह से इनके क्या क्या रोल हैं डिटेल में। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं IMS की, के कैरियर स्पेसिफिकेशन वेराइजन AT&T की आप देख सकते हैं, GSMA IR 92 IR 93, 3GPP की 23228 24229, IETF इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। ये जो हमारे प्रोटोकॉल चलते हैं जैसे SIP हो गया, डायमीटर हो गया, इन सब की स्पेसिफिकेशंस होती हैं। जैसे RFCs होती हैं, रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स, 3261, 3966, 4867 एक्सेट्रा, ये सब IMS की स्पेसिफिकेशंस है। अब इसमें क्या करा हमने, दोनों को मर्ज कर दिया। जैसे ये हमारा EPS नेटवर्क है, ये हमारा ई नोड भी आप इसे कह सकते हैं, इधर UE होगा तो UE, ई नोड भी, और इधर P गेटवे। तो P गेटवे को हमने PCSCF से कनेक्ट किया SGI इंटरफेस के थ्रू, और P गेटवे हमारा PCRF से भी कनेक्टेड है GX इंटरफेस के थ्रू, और PCRF कनेक्टेड है RX इंटरफेस के थ्रू। तो इधर आप देखें PCSCF, ICSCF, SCSCF जो हमने डिस्कस किया कि IMS के एलिमेंट्स होते हैं, ये सब कनेक्टेड है आपस में MW इंटरफेस के थ्रू। ICSCF और SCSCF एप्लीकेशन सर्वर से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ ISC और MS इंटरफेस। तो ये हमारा IMS कोर है। PCSCF मैंने आपको बताया दिया, प्रॉक्सी कॉल सेशन कंट्रोल फंक्शन, इंटरोगेटिंग कॉल सेशन कंट्रोल फंक्शन, सर्विंग कॉल सेशन कंट्रोल फंक्शन, और ये ASL एप्लीकेशन सर्वर। तो ये इंटरफेसेस हैं जो कि वोल्टे आर्किटेक्चर में यूज होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट किस इंटरफेस के थ्रू कनेक्टेड है। तो अगर आप LTE और IMS को मिला देते हैं तो आपको वोल्टे मिल जाता है। अब वोल्टे का जरूरत क्या पड़ी, सी LTE क्या है, कंप्लीट PS है। तो LTE के अंदर आप कॉल नहीं कर सकते, या तो आप 3G में जाके या 2G में जाके, जिसे हम CSF भी कहते हैं, उसके थ्रू कॉल करें, या फिर आप वोल्टे के थ्रू कॉल लगा सकते हैं। तो इसलिए हमारे को IMS की जरूरत पड़ी LTE को, ताकि हम PS डोमेन में कॉल कर सकें। तो इसलिए LTE और IMS ने मिला के हमको दिया वोल्टे आर्किटेक्चर। अब ये कुछ QoS है, वोल्टे QoS। अब मेन इसमें दो होती हैं, एक होती है IMS सिग्नलिंग, अगर आप ये देखें QCI 5। अब इसमें 1 to 9 तक QCIs होती हैं, इन सब की प्रायोरिटी होती है। तो अगर आप देखें टॉप प्रायोरिटी है IMS सिग्नलिंग की, वो क्यों है, क्योंकि कॉलिंग को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है, तो इसलिए इसकी प्रायोरिटी 1 है।
और QCI इसका है 5। तो सबसे पहले जब भी आप IMS bearer signaling का बनता है तो वो QCI 5 से बनता है। उसके बाद है जब हम voice करते हैं, conversational voice जब भेजते हैं तो उसका priority है 2 और QCI है उसकी 1। तो इस तरह से आपको जोन से सर्विस आप यूज कर रहे हो, नेटवर्क आपको ये QoS उसके बेस पे ही एलोकेट कर देता है। इसमें कुछ सर्विसेज होती हैं GBR, नॉन GBR, गारंटेड बिट रेट और नॉन गारंटेड बिट रेट। तो ऐसी प्रायोरिटीज, पैकेट डिले बजट, पैकेट एरर लॉस, एग्जांपल सर्विसेज। तो आप देख सकते हैं कन्वर्सेशनल वॉइस, कन्वर्सेशनल वीडियो के लिए अलग होती है, रियल टाइम गेमिंग, नॉन कन्वर्सेशनल वीडियो, IMS सिग्नलिंग। तो सबके लिए अलग अलग सर्विसेज के लिए अलग अलग QoS आप यूज कर सकते हैं। अब ये कुछ बॉडीज हैं, डिफरेंट बॉडीज जो IMS वोल्टे के साथ, मतलब आप यहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं स्पेसिफिकेशंस और पढ़ सकते हैं इनके बारे में। जैसे GSM में हमें वोल्टे के स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है, IETF हमें सीपोर डायमीटर के प्रोवाइड करता है, OM में ओपन मोबाइल अलायंस हमें मैसेजिंग प्रेजेंस इसके स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है, और 3GPP के थ्रू आप IMS आर्किटेक्चर की डिटेल निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने IMS और वोल्टे के बारे में देखा कि क्या क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, UICC क्या होता है, SIP यूजर एजेंट क्या होता है। तो ये सब आज हमने देखा IMS वोल्टे होता क्या है, कौन सी इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज आपको मिल सकें। Thanks for watching this video. Have a nice day.